हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल हेल्थ टिप्स ज्ञान पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोगों की मदद से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जल्द से जल्द इस चैनल पर 10000 सब्सक्राइबर करवा दें। तो चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको PCOS और PCOD क्या होता है और इसकी वजह से महिलाओं में कौन कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, इसके बारे में बताएंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो स्पेशल लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए होने वाली है। क्या है PCOD और PCOS? PCOD का मतलब होता है पॉलीसिटिक ओवरी डिसऑर्डर और PCOS का मतलब होता है पॉलीसिटिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें महिला के गर्भाशय में मेल हार्मोन एंड्रोजन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ओवरी में सिटीज बनने लगते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। आइए जान लेते हैं, अगर आप में पॉलीसिटिक ओवरियन सिंड्रोम की समस्या है तो आप इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए आसानी से इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि आप इस समस्या से ग्रसित हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, अगर किसी भी महिला के मासिक धर्म में अनियमितता आने लगती है तो उसकी वजह भी ये, यानी कि PCOS भी हो सकता है, पॉलीसिटिक ओवरियन सिंड्रोम की समस्या हो सकती है। वजन का तेजी से बढ़ना, अगर किसी महिला में PCOS की समस्या है यानी कि पॉलीसिटिक ओवरियन सिंड्रोम की समस्या है, तो उसका वजन अचानक से बढ़ने लगता है और उसको पता नहीं चलता कि यह किस वजह से बढ़ रहा है। अधिक बाल उगना, आप लोगों ने कई बार ऐसी महिलाओं को जरूर देखा होगा जिनके बाल उगने लगते हैं। थोड़ी पर अनचाहे बाल उगना सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं होता, बल्कि ये इस बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा बालों का झड़ना, शरीर व चेहरे पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, अंगूठे पर, पैरों के अंगूठों पर बाल का उगना, इसके लक्षण होते हैं। अगर किसी महिला में ये लक्षण देखे जाते हैं तो उस महिला को PCOS की समस्या हो सकती है। हमेशा अजीब सा महसूस करना, जल्दी किसी बात पर इमोशनल हो जाना, अत्यधिक चिंता करना, बिना वजह चिड़चिड़ापन, इस बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं। अगर किसी महिला में ये संकेत दिखाई देते हैं तो उस महिला को PCOS की समस्या हो सकती है, जिसका मतलब होता है पॉलीसिटिक ओवरियन सिंड्रोम। बांझपन की समस्या, अगर किसी महिला में PCOS समस्या होती है या उसके लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें ज़्यादातर बांझपन की समस्या देखने को मिलती है, जिसका इलाज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी टेक्निक से किया जा सकता है, जिसके बाद प्राकृतिक तरीके से अंडा महिला के गर्भ में विकसित हो जाता है। PCOD महिलाओं में इनफर्टिलिटी के मुख्य कारणों में से एक होता है। चेहरे पर मुहासों का होना, चेहरे पर मुहासों का होना ये एडोलसेंस में एक आम बात होती है, यानी कि टीनेज में एक आम बात होती है। लेकिन अगर किसी महिला में ये लक्षण ज़्यादा दिखने लग जाए, जिसकी वजह से चेहरे पर, बाहें पर, मुंह पर, छाती पर, जांघों पर आदि जगहों पर भी दाग धब्बे दिखने लग जाएं, उसके अलावा स्किन आपकी ऑयली हो जाए, बालों में डैंड्रफ हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आप PCOS की समस्या या PCOD की समस्या से ग्रसित हो चुके हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन हम आपको सबसे किफ़ायती उपाय के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग हर रोज़ सुबह के समय एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें या फिर योगा करने लगें। कोई सा भी योगा आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी टेंशन दूर होगी, आपका हार्मोन्स जो है डिसबैलेंस नहीं होगा और आप हमेशा फिट रहेंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको लगता है कि ये शेयर करने लायक है, लाइक करने लायक है, हमने आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है जिसकी आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, या जिस भी किसी व्यक्ति को आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।